Thank you, ma'am, for providing me this opportunity to deliver my presentation. ये अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूँ अभी देखा मैं ऐसे आता हूँ. हेलो, माय नेम इज सुजय शर्मा एंड आई एम फ्रॉम आईटी एंड थैंक यू मैम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर माय प्रेजेंटेशन. अंदर देखा दोनों बात क्या अंदर था, प्लीज रिस्पॉन्ड. यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल में वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट यहाँ पे हम बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो नॉन वर्बल का एक छोटा सा पार्ट है बॉडी लैंग्वेज की. यहाँ पे बात करें कि मैं एक सही सही बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे उस चीज़ को डिलीवर करने में. तो ये चीज़ मैं इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज ओरल कम्युनिकेशन. आप ओरली कम्युनिकेट करोगे बट एक इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, इससे क्या होगा कन्विंग आइडियाज ओरली बट विद इम्पैक्ट. आप अपने आइडियाज को नॉलेज को इमोशंस को ओरली करोगे लेकिन अच्छे इम्पैक्ट के साथ कर पाओगे क्योंकि आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अ बॉडी लैंग्वेज. नेक्स्ट. सो वी ऑल हैव लर्न दैट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अकंपनीज द वर्बल कम्युनिकेशन बट एग्जैक्टली हाउ मेनी आंसर कैसे नो हो गया. सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ सर्वेस एंड रिसर्चेस बताना चाहूंगा. 2019 के अंदर NHS इंग्लैंड की एक नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे वाला नेशनल हेल्थ सर्विस है यहाँ पे, तो इसके बारे में सर्वे कंडक्ट कराया गया था पेशेंट्स के लिए. तो अच्छे लोग हॉस्पिटल में मेडिकल्स में ये देखना चाहते थे कि पेशेंट सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ को लेकर फेस करते हैं इन देयर ट्रीटमेंट. तो ये सर्वे दो लोगों के बीच में कराया गया था, पेशेंट्स और हॉस्पिटल स्टाफ उसके बीच में. तो इस आफ्टर दिस सर्वे वन थिंग वॉज देयर that was common, that is a 21% of the patients face problems because of the poor communication. Poor communication, यहाँ पे poor communication की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि body language की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि body language non-verbal communication का scope काफी ज़्यादा है as compared to verbal communication. तो verbal में अगर मैं communication की बात कर रहा हूँ तो इसमें verbal आ रहा है but इससे भी ज़्यादा non-verbal आ रहा है, non-verbal में भी body language. क्योंकि अगर staff पेशेंट से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा विद देयर बॉडी लैंग्वेज विद देयर एक्सप्रेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स तो वो चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाएगा, पेशेंट नहीं समझ पाएंगे उन चीज़ों को. सेकंड जो सर्वे की बात करें तो पोस्ट ऑफ पोअर की काफी फेमस आर्टिकल द पोस्ट ऑफ पोअर कम्युनिकेशन डेविड ग्रॉसमैन के द्वारा लिखा गया, काफी फेमस राइटर है, आई थिंक इटालियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इटालियन राइटर डेविड ग्रॉसमैन, इनके द्वारा 2016 के अंदर एक रिपोर्ट या फिर आर्टिकल पब्लिश हुआ था द पोस्ट ऑफ पोअर कम्युनिकेशन. पोस्ट ऑफ पोअर कम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने बताया एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसके अंदर 400 कंपनीज इन्वॉल्व थी, 400 कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व करा गया, उसके अंदर 1,00,000 एम्प्लॉइज के ऊपर ये सर्वे कंडक्ट हुआ था. तो ये चौंकाने वाले नंबर्स, द सरप्राइजिंग नंबर्स यहाँ पे सामने निकल के आए वो थे कि हर एक कंपनी हर साल $62.4 million का यहाँ पे घाटा खाती है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ पोअर कम्युनिकेशन बिटवीन द सीनियर ऑफिसर्स और सीनियर पोजिशन जूनियर पोजिशन एम्प्लॉइज के बीच में ये ढंग से कम्युनिकेशन का ना हो पाना, इस कारण से 62.4 million काफी ह्यूज नंबर्स हैं डॉलर्स, हर एक कंपनी घाटा खाती है इतना बिकॉज ऑफ पोअर कम्युनिकेशन. तीसरा ये कोरा पे इसके सोर्स कोरा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था अपन यूजर्स के द्वारा, क्वेश्चन ये था क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो पोअर कम्युनिकेशन की वजह से आई टी वाले को फेस करने पड़ते हैं. तो उसके अंदर सबसे सिंपल सा इसका आंसर था कि इंटरव्यूज के टाइम पे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन आपके अच्छे नहीं है, आपके कम्युनिकेट करते टाइम पे आप सही से हैंड्स का यूज नहीं कर पा रहे हो और तो आपके इंटरव्यू में इट्स वेरी बेटर वेरी बेस्ट इफ यू नो अबाउट द स्किल्स. अगर आप स्किल के बारे में जानते हो काफी अच्छी चीज है बट कंपनीज आपसे स्किल नहीं मांगती थी, कंपनीज को चाहिए कि आप उनके प्रोजेक्ट्स को उनकी सारी चीजों को कंपनी को वो चाहते हैं कोई ऐसा है हमारी कंपनी को उठा के ले जाए ऊपर की तरफ लेके जाए ग्रोथ जे कर बने उसकी कंपनी में. इसके लिए वो चाहती है कि अच्छे से अच्छे एम्प्लॉई हायर कर सके अच्छे ढंग से काम कर सके, इस कारण से वो कोशिश करते हैं कि इसका कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो उसको वो हायर करना ज्यादा पसंद करती है, स्किल भी अच्छी हो प्लस उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो. और कम्युनिकेशन में अगर मैं आईटी की अगर बात करूँ तो इस जगह पे आईटी के अंदर बॉडी लैंग्वेज का काफी 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 ज्यादा यूज है. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो आप इंटरव्यू में सबसे पहले आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, इंटरव्यू में अगर आप निकल के गए स्किल के बेस पे तो आपको प्रमोशन रिलेटेड चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं आईटी कंपनी आईटी लाइक कंपनीज में, मैनी मोर कंपनीज हो सकते हैं बट वी आर फ्रॉम आईटी सो मैं आईटी की बात करूंगा. ओके, इसके अलावा भी हम अपने सोशल लाइफ में देख सकते हैं पोअर कम्युनिकेशन की वजह से पब्लिक स्पीक में नेताजी आते हैं, नेताजी वो कोशिश आप देखें उनको कभी वो वर्बली
नॉन वर्बल्स होंगे, बॉडी लैंग्वेज का काफी हाथ चलाएंगे ऐसे चलाएंगे, उनको काफी यूज करते हैं क्योंकि एक पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, किसी को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग काफी इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क में अगर आप बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो, आप अपने टीम मेंबर्स को एज अ लीडर कैसे उनको लीड करोगे, काफी इंपॉर्टेंट टीम वर्क के अंदर भी। टीचिंग में हाँ मैं यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, टीचिंग के लिए टीचर्स को यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है उसके ऊपर बैठाया है लकड़ी के ऊपर, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है आप समझ पा रहे हो इसको, ये मैंने ये वाला क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये रूरल एरिया से अपन अर्बन में अपन स्टार्टिंग से जो अर्बन में पढ़ाई होती है वो टेक्निकल टर्म्स को समझ लेते हैं, इंग्लिश की कुछ खतरनाक से वर्ड्स होते हैं जो काफी टिपिकल टाइप के होते हैं उनको अपन समझ लेते हैं, बट मैं अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूँ वहाँ पे बच्चे इतने लिटरेट नहीं होते, उनको समझाने के लिए हमें नॉन वर्बल लाइक कलर्स का भी यूज करना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करना पड़ेगा, उनको समझाने के लिए अगर उनको कोई स्क्वायर को समझाना है उसका शेप क्या होता है तो करके बताना पड़ेगा इस तरीके से, उनको स्क्वायर अगर बताना है तो हमें इस तरीके से बताना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे, क्योंकि वो नहीं समझते इन जैसे टेक्निकल टर्म्स को, इसलिए यहाँ पे इन बच्चों को समझाने के लिए हमें एक टीचर अगर रूरल एरियाज में, हालांकि अपने अर्बन एरियाज में भी इम्पोर्टेंट होता है नो डाउट, बट रूरल में अपन से भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे इतने लिटरेट नहीं है वो समझ सके, इसलिए उनको बॉडी लैंग्वेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ एक और यहाँ पे लास्ट है, ये डेटिंग्स वगैरह में दिक्कत आती है, डेटिंग्स में सोशल गैदरिंग्स में पिकनिक्स वगैरह में जाता है, बोले पिकनिक हंसी के लिए जा रहे हैं, अब एक अगर आपका आई का रेफरेंस कोई बात बोल रहा है आई का रेफरेंस आपका गलत है तो आपकी काफी झगड़े हो जाएंगे, आप खुशी के लिए गए थे अब दिक्कतें काफी क्रिएट हो जाएंगे, डेटिंग्स में दिक्कत आ जाती है क्या समझ नहीं पाओगे एक दूसरे को, और उसके बाद भी दिक्कतें आ जाएगी मैरिटल लाइफ में, डाइवोर्स होते हैं इनके कारण, ये सारी चीजें और भी सारी चीजें लगती है ना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, सो वी हैव एग्जामिन्ड द ड्रॉबैक्स और हमने यहाँ पे ड्रॉबैक्स और उसके कम्युनिकेशन थ्रू द प्रीवियस थ्री सर्वेस, एडिशनली वी हैव ऑब्जर्व हाउ पुअर कम्युनिकेशन कैन कॉज डिफिकल्टीज एट द ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज कंपनी लेवल, इनफैक्ट देयर कुड बी मोर सर्वेस ऑन दिस टॉपिक, मैं चाहता हूँ आप लोग एक्सप्लोर करो चीजों को, सर्विस को देखो और इनकी इंपॉर्टेंस को समझो, कहाँ से इंटरनेट के द्वारा जा सकते हो, बुक्स के द्वारा जा सकते हो, मैं चाहता हूँ ये चीज आप करो। आगे so furthermore we have noticed that the impacts of poor communication are not limited to large organization companies only, we can also see its effects in our everyday life around us, hence we have discussed the drawbacks of the improper communication, improper communication means main aap body language ke mera topic hai to non verbal ko body language se represent karunga, consider kar lena is cheez ko, so without body language aur ye kafi humne iski significance bhi yahan pe dekh liye, acha in drawbacks ke andar ye sari jo reports maine dikhayi inke andar sirf drawbacks hi nahi hai yahan pe significance bhi hai iske, aap samajh sakte ho is cheez ko कितना जरूरी है कि कितने 62.4 मिलियन का घाटा हो गया सिर्फ पुअर कम्युनिकेशन की वजह से, कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना और हर साल फेस कर रही है कंपनी। आगे सो सबसे पहले आप बॉडी लैंग्वेज की समझते हैं, एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज है तो व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज ऑफन रेफर टू एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एनकंपासेस द इंट्रिकेट एंड साइलेंट सिम्फनी ऑफ फिजिकल क्यूज दैट एलोकेंटली कन्वे थॉट्स इमोशंस एंड इंटेंशंस विदाउट द नीड फॉर वर्ड्स, काफी टेक्निकल टर्म्स है इसके अंदर, मैं सिंपली अगर आपको बताऊं मैं हमने बताया था कि अपार्ट फ्रॉम वर्ड्स द मीन दैट वी यूज टू कम्युनिकेट कम्स अंडर द बॉडी लैंग्वेज, सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट मैं बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करूं तो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करना कम्युनिकेशन के लिए नॉन वर्बल नहीं, तो ये बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है, सिंपल है डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर वैसे फिजिकल क्यूज की अगर मैं बात करूं, सब फिजिकल क्यूज है यहाँ पे जो काफी ज्यादा यूज होते हैं और भी है एंड सो ऑन और भी है, बट यहाँ पे बात करें फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जेस्टर्स होते हैं, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, प्रॉक्सिमिटी, मिररिंग, मे बी मिररिंग और मिररिंग आप ऐसे टॉपिक जो हो सकता है फिजिकल क्यूज में ना हो इफ आई एम राइट, बट मैंने डाल के रखा क्योंकि इंपॉर्टेंट है एंड सो ऑन और भी हो सकते हैं, इतना ही नहीं, ठीक है आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखना चाहेंगे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, आर फेस इज लाइक अ कैनवस ऑफ इमोशंस राइट, है ना ओके। When we smile, it's a universal sign of happiness. The way we use our eyebrows and maintain eye contact helps people understand our feelings and reactions. अगर मैं आपके सामने ऐसे करके आऊँ और बोलूँ हंसूँ पहले और मैं अगर ऐसे करूँ तब समझ जाओगे कुछ ऐसा पूछने वाले हैं क्या बात है, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, सीधा आगे ऐसे किया, आप समझ गए मैं क्या पूछना चाहता हूँ, मेरे इमोशंस को आप समझ चुके, ये फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप नंबर ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल तो देख सकते हैं, स्माइल, फ्रॉन्ट, रेज्ड आईब्रोज, ये सारी चीजें आप पढ़ ले रहे हैं।
काफी सारी चीजें हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर आती है ना। तो और भी सारी आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो जेस्चर्स आते हैं, हैंड एंड आर्म मूवमेंट एज वेल एज अदर फिजिकल जेस्चर्स कैन कम्युनिकेट अ रेंज ऑफ मैसेज। थिंक ऑफ योर हैंड्स एंड आर्म्स, ओके, यहाँ पे फोकस करेंगे। थिंक ऑफ योर हैंड्स एंड आर्म्स एज स्टोरी टेलर, दे ऐड एम्फेसिस टू योर वर्ड्स एंड हेल्प यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप देखना कभी भी नेचुरली आप अगर कोई स्टोरी बताने वाले हो तो उस नेचुरल में आप अपने हैंड्स का यूज करने लगते हो। मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा हूँ, उस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बता रहा हूँ। ये हैंड्स का यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सही बात तो ये है कि हैंड का यूज तो सब करते हैं, बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हैंड का सही से यूज नहीं करते कम्युनिकेट करने के लिए, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए हैंड मूवमेंट ठीक है, बट हमें ये चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे हैंड मूवमेंट काफी अच्छी हो। अभी जस्ट के अंदर एक पहला अपन एग्जांपल देख लेते हैं। थम्स अप, अगर आपको कोई स्टोरी बतानी हो तो अगर आपके ये हैंड का मूवमेंट आप रखना चाहो तो क्या सर अच्छा नहीं लगेगा, है ना? और ऑटोमेटिक हैंड भी आता है नेचुरली। थम्स अप, थम्स डाउन, शशिंग जब आप बात करो ना किसी से भी तो कोशिश करो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो, ओपन ही रखो, क्लोज मत रखो। जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कभी सुपर क्यों बैठी है ठीक जी, पता क्या आप लो कॉन्फिडेंस आपका दिखा दिया। ये हालांकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ यूनिवर्सली नहीं है, कहीं भी हर जगह के हिसाब से टाइम के हिसाब से हमें ये चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। बट आइडियली इसमें अगर देखा जाए तो हमें ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, जेस्चर्स का यूज करना चाहिए। मैं बात करूँगा तो इस तरीके से बात करूँगा, अगर मैं कोई बड़ी चीज़ को बताना चाहता हूँ मैं इतना करके ऐसे नहीं कर दूँगा, ये कोशिश करूँगा उसको एक्सपेंड करके बताऊँ। खड़े होने की स्टाइल सोचा सर को एक्सपेंडेशन या शो करता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आप में अच्छा है, और भी सारी चीज़ें शो करता है ना। और भी है हमें posture affects the way a person positions their body, including the alignment of the spine, shoulders, limbs. It can convey a lot of information about a person's confidence, attitude, and emotions. कुछ लोग मैंने देखा ऐसे चलते हैं, मैं seriously बता रहा हूँ, ऐसे चलते हैं, देखा मैं। अगर मैं अपना बताऊँ, मुझे काफी low confidence लोग लगते हैं, seriously लगते हैं, यहाँ पे लिखा भी है और ऐसा होता भी है, और मुझे उनका posture अच्छा नहीं लगता तो एक कुछ रहता है अंदर कि यार ऐसे ही नहीं चल रहे, ऐसा लगता है। काफी मैंने लोगों, मेरी दीदी ऐसी पहले चलती है, ये लो साइन होता है कि आपके पोस्चर काफ़ी ज़रूरी होता है। आप अगर किसी के सामने कम्युनिकेट करो, अगर आप ऐसे करके अगर सीधा स्पाइन आपका सीधा है तो ये सिमिलाइज करेगा कि आप कॉन्फिडेंस लेवल आप में अच्छा है ना, आपका एटीट्यूड को दिखाएगा। ये अब ढंग से अगर आप बात करोगे तो ये काफ़ी अच्छे इंप्रेशन डालेगा सामने ऊपर, सामने वाले के ऊपर। बट हमेशा ये ठीक नहीं, थोड़ा झुक भी जाते हैं कभी, कब झुकते हैं जब कहीं इंटरेस्ट लेना हो किसी चीज़ में, कोई सीक्रेट बात करनी हो तब भी आप ऐसे करके सीक्रेट बात करो और वो सामने बैठा चिल्ला चिल्ला के सीक्रेट कह रहा है उसमें, है ना, तो तब उस टाइम पर हमें झुक भी जाते हैं उसमें। और काफ़ी अलग अलग हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से वो फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर का काफ़ी अलग अलग जगह के टाइम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इनका यूज़ है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है, अपराइट पोस्चर, टेंस पोस्चर, टेंस पोस्चर, ऐसे समझ जाओ, कुछ नहीं बोलूंगा मैं आगे देखूँगा भाई। चिंता चिंता में सच्चे चिंता में सच्चे लगा रहता है ऐसे बैठा, हालांकि रहता नहीं कभी। आगे सो आई कॉन्टैक्ट, इम्प्रेसिव आई कॉन्टैक्ट मींस लुकिंग एट समवन इन अ फ्रेंडली कॉन्फिडेंट वे व्हाइल यू टॉक टू देम, व्हिच मेक्स देम फील लाइक यू आर जनरली इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन। इट्स लाइक अ नॉन वर्बल वे ऑफ सेइंग आई एम पेइंग अटेंशन। अगर आप किसी के साथ पूरे कन्वर्सेशन के अंदर पूरे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, उसके अंदर अगर आप आई कॉन्टैक्ट को सही से मेंटेन करते हो, उसका पूरा पूरा मतलब निकल के आता है कि आप ढंग से अटेंटिव हो उनकी बात, अटेंटिव हो। आप मेंटली कहीं और जा सकते हो बट मुझे एक लगेगा कि आप फुली यहाँ पे अटेंटिव हो, मैं आपका प्रेजेंट हो, मेरी बात को ढंग से सुन रहे हो, और जो सेंडर है उसको काफ़ी अच्छा फील होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंप्रेसिव फील होता है कि सामने वाला मेरी सुन रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक नॉन वर्बल वे है। अगर आप ओरली बोलोगे तो क्या बोलो, आई एम पेइंग अटेंशन एंड आई एम हियर टू कनेक्ट विद यू। अगर आप ये ओरली ना बोलो ना, अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हो तो ये हो जाती बात है, सिर्फ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने से, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल थम्स अप, अरे इसमें आ गया, सॉरी कॉपी हो गया। बट अगर हम किसी चीज़ को पॉइंट करना चाहें, तो हम
जैसे कैसे बताऊँ, आप अगर किसी से बात कर रहे हो इंटरव्यूअर के सामने, तो आप कोशिश करें आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल मेंटेन करते रहें, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट को बताएगा और ये चाहता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, अपनी चीज़ को सही से एक्सप्रेस कर पाओ, मुझसे जुड़ पाओ, कनेक्ट कर पाओ। मैम ने बताया था कि ब्रिज का काम करता है, ब्रिजिंग का। अगर आप ब्रिजिंग सही से मेंटेन करके रखोगे तो सब कुछ बढ़िया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बातों का सब अच्छे तरीके से होगा और काफ़ी ढंग से होगा, है ना, दोनों तरफ। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप और भी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एग्जाम्पल है ना, प्रॉक्सिमिटी इन कम्युनिकेशन, प्रॉक्सिमिटी रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज अ डिस्टेंस बिटवीन। ये सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ सिंपल में। प्रॉक्सिमिटी एक्चुअल में ये दिखाता है कि आप फिजिकली कितने पास हो उनके, फिजिकली कितने दूर हो उनके, ये चीज़ दिखाता है कि काफ़ी आपके रिलेशनशिप वगैरह के बारे में सब कुछ बता देता है ये प्रॉक्सिमिटी, ये चीज़ है। अगर आप, अगर यहाँ पे मैनेजर कंपनी के मालिक से बात करने जा रहा हूँ, मैं सिंपल एम्प्लॉई हूँ, तो मैं जाके मैनेजर के सामने और कंपनी के मालिक के सामने कुर्सी जाके बैठ नहीं जाऊँगा, और मैं करीब जाके नहीं खड़ा हो जाऊँगा, बैठूंगा नहीं तो करीब जाके खड़ा नहीं हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि पोजिशन की वजह से। यहाँ पे पोजिशन में भी प्रॉक्सिमिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। पोजिशन कैसे? आपके रिलेशनशिप के पोजिशन हो सकते हो, क्या कितने पास उनके लाई करते हो, रिलेशनशिप वाइज, पोजिशन वाइज, कंपनी वाइज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर, है ना। तो अगर कंपनी के लेवल पर बात करें तो आप एक पोजिशन वाइज कि आपको इज्जत देनी है उनको, तो आप थोड़ा दूर खड़े रहोगे, थोड़ा दूर खड़े रहोगे और उनको बात करने दो। ये प्रॉक्सिमिटी का, कि आप कितने पास जाके, कोई बात कर रहा है दो लोग, मैं जाके खड़ा हो जाऊँ भाई, बताओ भाई, हो सकता है कुछ प्राइवेट बात कर रहा हूँ मैं भी बीच में जाऊँ, तो कोशिश करूँगा मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँ। यहाँ पे इसके अंदर जोन है काफ़ी, इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन, पब्लिक जोन, सोशल जोन, इनको अपन थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे आगे। इंटीमेट जोन की बात करें तो ये सबसे क्लोजेस्ट जोन होता है, जब कोई सबसे पास खड़ा होता है ना। तो ये क्या है, इसका जो टिपिकल जो डिस्टेंस होता है 0 to 18 inches, इतना पास जाके खड़ा होता है ना। तो ये वेरी क्लोज रिलेशनशिप में आता है, लाइक इंटीमेट पार्टनर और क्लोज फैमिली मेम्बर्स, उनके पास जाके खड़े हो जाएंगे। दूसरा अपने पास आता है पर्सनल जोन, दिस जोन रेंजेस फ्रॉम अबाउट 1.5 to 4 feet एंड इज सुटेबल फॉर पर्सनल कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, इतना दूर खड़े चलेगा है ना। ये यहाँ पे सुटेबल होता है। सोशल जोन, दिस जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 4 to 12 feet एंड इज ऑफन यूज्ड इन सोशल गैदरिंग्स सच एज पार्टीज, स्पेशल मीटिंग्स, है ना। इतना दूर खड़े चलेगा, इतना दूर थोड़ा सही से चलता है, डिलीवरी बोली सोशल गैदरिंग्स में। पब्लिक जोन की बात करें, बियॉन्ड 12 feet, दिस जोन इज फॉर पब्लिक स्पीकिंग, फॉर्मल प्रेजेंटेशन वेयर देयर इज मिनिमल पर्सनल इंटरेक्शन। पब्लिक स्पीकिंग, जनता खड़ी है, मैं तो जाके यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंट तो कर रहा हूँ, बट पब्लिकली तो स्पीक कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो ये 12 feet का यहाँ पे मेंटेन करके रखना चाहिए। अप्रॉक्सिमेटली अगर आपकी अच्छी लगी तो ये कनेक्शन भी आपको बताता है कि आप क्या है, आपका क्या अप्रॉक्सिमेटली। एक्चुअल में बताऊँ, अप्रॉक्सिमेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका रिलेशनशिप वाइज क्या क्या पे लाई कर रहे हो, कंपनीज में पोजिशन पर कहाँ पर लाई कर रहे हो, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ये नहीं हिंदी जाके खड़े हो गए, ये काफ़ी रोज आए। तो चॉइस ऑफ प्रॉक्सिमिटी डिफरेंट कम्युनिकेशन कैन कन्वे द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड फैमिलियरिटी, राइट, कंफर्ट यहाँ पे देख सकते हो, एंड फैमिलियरिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिफरेंट कल्चर एंड सिचुएशन मे इन्फ्लुएंस दीज डिस्टेंसेज, बट इन जनरल प्रॉक्सिमिटी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, मिररिंग बॉडी, ये हो सकता है उसके अंदर फिजिकल क्यूज में ना आता हो, और हो सकता है आता भी आता है इसमें। मिररिंग बॉडी लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ सबटली रिफ्लेक्टिंग और इमिटेटिंग द नॉन वर्बल क्यूज ऑफ दोज यू आर कम्युनिकेटिंग विद। इट इन्वॉल्व्स मैचिंग जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अदर नॉन वर्बल साइंस टू क्रिएट अ कनेक्शन एंड स्टेबलाइज रैपोर्ट। दिस टेक्निक कैन मेक द ऑडियंस फील मोर कंफर्टेबल एंड एंगेज, अल्टीमेटली एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। आप कोशिश करो कि सामने वाले से अगर बात कर रहे हो, कोई भी बैठा है सामने, कोई भी बैठा है, ये हाँ मैं जो चीज़ें पॉइंट्स बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि हर जगह इंप्लीमेंट होगी, एक्सेप्शंस वहाँ पे हमेशा रहते हैं, हर चीज़ में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द 90-95% चीज़ों में अपने यहाँ पे ऐसी हैं वर्ल्ड के अंदर जो एक्सेप्शंस रहेंगे, है ना। तो आइडियल केस में अगर बात करेंगे तो मिररिंग बॉडी लैंग्वेज, अगर आप किसी के सामने बैठे हो अभी ऐसे करके बैठे हैं क्रॉस लेग्स, तो अगर मैं ऐसे बात करने जाऊँगा और मैं ऐसे करके बैठे रहता ऐसे पोस्चर मेरा ऐसा होगा और ऐसे करके बैठे, ये समझेगा कोई दादा हो, मतलब मुझे ऐसा फील होगा यार ये सर सर ऐसे करके। तो कोशिश करूँगा अगर मुझे एक वो ब्रिजिंग है ना ऊपर ढरकाव नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उतरने में नहीं करेगा तो चढ़ने में तो करेगा इसके लिए,
है ना, तो सेम लेवल के लिए आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर कर सकते हो, है ना, मिरर कर सकते हो। अगर आप, अगर वो किसी बात पे हल्का सा नजर उधर करते हैं तो आप उनकी चीज को ऑब्जर्व करो, तो आप भी सेम टू सेम यही चीज करो। तो इससे क्या होता है कि आप उनके बॉडी लैंग्वेज को अगर आप मिरर करते हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप कनेक्ट कर जाते हो, इसलिए उनको लगता है कि आप फुल कन्वर्सेशन जो हो रहा है, बातचीत जो हो रही है, उसमें आप कनेक्टेड हो। अगर वो इस तरीके से हैंड का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करो आप भी हैंड इसी तरीके से यूज करो, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करो, ऑब्जर्व करो किस तरीके के बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। आप कोशिश करो अडेप्टेबिलिटी, आप अडेप्ट कर लो उस चीज़ को उतने टाइम के लिए, फिर जब बात करो छोड़ दो उधर, उसके करो। काफी इंपॉर्टेंट है ये मिररिंग, और मैं इस चीज़ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि मिरर नहीं कर पा रहे आप तो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम तो नहीं होती बट एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता हूँ। एग्जाम्पल, पोस्चर मिररिंग कर सकते, क्रॉस लेग्स और आर्म्स मैचिंग फेस व्हेन वॉकिंग विद समवन, पेस, सॉरी फेस नहीं, पेस, आप चले जा रहे हो स्पीड में, वो रुका है ना, वो निकल गया, बात क्या बात हो रही है, वो चलता जा रहा है, बात करते रहना। तो अगर आप चल रहे हो तो बॉडी चल भी तो रहे ना, चल भी रहे है ना मोशन में, अपन चलते टाइम पे आप कोशिश करो कि उनके चलने चले जो पेस है, उनका स्पीड है, उसको आप मैच करके करते हुए चलो, उसको मिरर करते हुए चलो, उनके उसी पेस में चलो। काफ़ी कैसे अपन बात करें तो एक कनेक्शन बिल्ड कर देता है यहाँ पर, ऊँचे नीचे का नहीं रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, सिंक आप जुड़े हुए काफी महसूस करते हो। सो नाउ आई फील दिस हैज बिकम क्लियर टू सम एक्सटेंट टू ऑल ऑफ यू हु वाज प्रेजेंट हियर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। उस लोग अगर फिजिकली प्रेजेंट होते हुए मेंटली अब्सेंट होंगे, इसलिए मैंने लिखा है दैट एग्जैक्टली हाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंपनीज अ वर्बल कम्युनिकेशन। ये अपन टाइम टू टाइम अपन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देखा इस चीज़ को, और शॉर्ट में आप इस चीज़ को लेके जाओ और काफ़ी जगह एक्सप्लोर करें, काफ़ी क्या चीज़ें होती हैं, आप जाने इन चीज़ों को और आगे। तो ओके, अरे यार, नाउ एट द एंड एटलीस्ट यू मस्ट हैव लर्न्ड समथिंग इवन इफ इट्स जस्ट 1% व्हिच यू विल ऐड अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर एवरीडे कम्युनिकेशन। अगर आपने कुछ 1% पे ऐसा गेन किया होगा यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों में, हालांकि सब कुछ शॉर्ट में था और मैं हो सकता है कुछ ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाया क्योंकि आपकी ही तरह मैं लर्निंग फेस में। तो आप अगर आप 1% भी यहाँ से गेन करके जा पा रहे हो और अपने एवरीडे लाइफ में कम्युनिकेशन उस चीज़ को ऐड कर पा रहे हो, काफ़ी बेस्ट ऑफ लक आपका ये टाइम, काफ़ी कांग्रेस हो गया, बेस्ट ऑफ लक मीन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका ये टाइम काफ़ी सही से यूज हुआ है। आप 1% लेके जाइए बट कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाइए। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई अप्रिशिएट एंड योर डेडिकेशन।